Morning students, I'm Savita, your grammar teacher. Today I am going to teach you rest of the lesson 9, remaining part of the lesson 9. ARI. Let me revise once again. A और N. हम A और N कहाँ लगाते हैं? जैसे ये कितने vowels हैं? 5 vowels हैं. A, E, I, O, N, U. फिर उसके बाद क्या है? There's total 26 letters होते हैं, जिसमें से क्या होता? 5 वावेल्स हो जाते हैं, ठीक। और जो ये 21 क्या है, ये कंसोनेंट्स हो जाते हैं। तो ए ई आई ओ यू, ये हो गया वावेल। और उसके बाद बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या है आपके कंसोनेंट। तो जब वावेल आता है, जब वर्ड्स की स्टार्टिंग इनमें से किसी पे होती है, जैसे चाहे ए से हो, चाहे ई से हो, चाहे आई, जैसे है, अब देखिए अब है एलिफेंट, तो जैसे एलिफेंट है, एप्पल है, आइसक्रीम है, ऑरेंज है या अम्ब्रेला है, तो उसकी स्टार्टिंग में हम एन लगाते हैं। और जब वर्ड्स की स्टार्टिंग इनमें से किसी पे होती है तो हम ए लगाते हैं। बट रिमेम्बर वन थिंग ऑलवेज, जब हम ये होता है, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ए और एन कहाँ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब हम एक की बात करते हैं, किसी एक किसी भी थिंग्स की, किसी भी प्लेस की, जब हम एक चीज की बात करते हैं तभी हम ए और एन लगाते हैं। और ए हम वावेल, जो वावेल वर्ड्स होते हैं, जब वर्ड स्टार्टिंग इनसे होती है तो हम एन लगाते हैं, और जब वर्ड स्टार्टिंग इनसे होती है, मतलब बी से डी से, जैसे है कैट है, ठीक है, कैट, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक। अगर ओ से हो गई ऑरेंज, ठीक है, ओ हाँ, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। इसमें ओ क्या है? ओ इसमें वावेल है, और सी इसमें क्या है? कंसोनेंट्स है। तो जब वर्ड की स्टार्टिंग कंसोनेंट से होती है तो हम ए लगाते हैं, और जब वर्ड की स्टार्टिंग वावेल से होती है तो हम एन लगाते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, बट ए और एन हम तभी लगाते हैं जबकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं तभी हम ए और एन लगाते हैं, ठीक है। सो ओपन योर बुक, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर बन गई ग्रामर में कैसे कैसे करा, अब इतना पढ़ लिए, अभी देखिए गुणा करके ए और एन करना है। ए दाई जरा इधर डस्टर दीजिए, खाली हो गया ना, रुक जाइए, इसे करा हाँ, जरा जल्दी एक तो डस्टर दे दीजिए, अभी ले लीजिएगा, काफी नहीं मिल जाता है, हाँ एक तो डस्टर की बताइए, बार बार पॉज करके कपड़ा क्लीन के सुखवा रहे हैं तो फिर लिख रहे हैं, फिर कपड़े से पोंछ दे रहे हैं, फिर गीला कर फिर सुखवा रहे हैं, तब थोड़ा सा अब इतना भरना बताना है तो कैसे बताना, डस्टर है तो अपने आगे से रख करके बताते जाए। ए भाई लगता हमको एक तो डस्टर दे दो, ए भाई दे दीजिए, मुर्दाई माला करता हमने, एक तो डस्टर ना है साला, जरा जल्दी आइए दाई प्लीज,
भी आप तक जिंदगी में लोग तक वीडियो ना बना हो जी और यहाँ लोग करें निकालो फिर भी सोच रहे हैं लोग तक ने क्या पढ़ा लोग ने क्या पढ़ा मन निकाल दीजिए तो सविता मैडम सविता मैडम एक तो डस्टर दे दीजिए इतना बाबू हम तो ऊपर नीचे माला रानी है बार बार अनुसंधान पद्धति तो कहते हैं मैडम लोग गई मैडम लोग ना है कहाँ है तब सब लोग चलो चलो हाँ चलिए।